Assalam viewers, my name is Rizwan Cheema, founder and CEO of Makaan Solutions Private Limited. आपका सफर प्लॉट से मकान तक. इस वीडियो में आपको मैं ब्लॉक के हवाले से एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लॉक के में इस वक्त डेवलपमेंट का क्या है. ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के, ये चक्री रोड से एक्सेस के साथ अगर आप आते हैं तो आपके लेफ्ट साइड पे सेकंड ब्लॉक आता है ब्लॉक जे के साथ, राइट साइड पे आपके ब्लॉक जी आता है पहला ब्लॉक, और सेकंड ब्लॉक आता है ब्लॉक एच. ये लेफ्ट साइड पे आपके मेन रोड से अगर आपका फेस टूवर्ड्स सोसाइटी की एंट्रेंस की तरफ है तो आपके लेफ्ट साइड पर सेकेंड ब्लॉक आता है. कटिंग की अगर बात करें इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक में सिर्फ एक साइज ही कटिंग है, दैट इज़ 10 मरला, 30x60 35x65 स्क्वेयर यार्ड में, 250 स्क्वेयर यार्ड का प्लॉट बनता है. कुछ कॉर्नर प्लॉट विद एक्स्ट्रा लैंड होंगे जो 12 मरला के होंगे, बाकी इस ब्लॉक में जो प्लॉट्स हैं वो उसी तरह से हैं 10 मरला के प्लॉट्स. जहाँ तक बात है इस ब्लॉक के डेवलपमेंट की, तो ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट का स्टेटस है इस ब्लॉक का, दैट इज़ 5 to 10% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई. वो भी मुझे एक्जैक्ट अभी मैंने मैप पे, क्योंकि मैं साइट पर खड़ा हूँ तो मैं अगर आइडिया लगाऊँ मैप के मुताबिक, तो यहाँ पे शुरू के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं कुछ मेन रोड के साथ, उन पे तो लेवलिंग का काम आपको नज़र आता है और कुछ वहाँ पे एसफाल्ट भी हो रहा है. और एसफाल्ट से मुराद यहाँ पे कुछ मेन रोड्स बन रहे हैं जो कमर्शियल प्लॉट का फ्रंट होंगे या पार्किंग स्पेस होगी. इसके अलावा ब्लॉक के अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो 5 to 10% ही बनती है, जो बेसिक अर्थवर्क थोड़ा सा लेवल हुआ है या थोड़ा सा काम हुआ है. इसके अलावा ब्लॉक के में कोई काम नहीं हुआ. और अगर देखा जाए इसके ऑपोजिट साइड ब्लॉक जी, जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट से उसकी बैक से, उसके साथ बिल्कुल एच ब्लॉक है जहाँ पे 1 नाल के प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पे बड़ी मैसिव तादाद में डेवलपमेंट हुई है, यानी कि वहाँ पे सोसाइटी पोजेशन ऑफर करने की पोजीशन में है. ओवरऑल अगर देखा जाए ओवरसीज प्राइम में, तो इंस्टॉलमेंट प्लान 3.5 साल का था, और 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के दौरान ये प्लॉट्स लॉन्च किए गए थे. तो मोस्ट प्रॉब्ली जब सोसाइटी इसको उन ब्लॉक्स को मुकम्मल कर लेगी, तो माइट भी उसकी मशीनरी यहाँ मूव कर दी जाए. मेरा ख्याल है कि इसकी मशीनरी एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में पहले मूव कर देनी चाहिए, कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है वो 2017 की लोगों की परचेजिंग है. तो मेम्बरान इस बात पर काफ़ी ज़्यादा नाला है, नाराज़ हैं, वो चाहते हैं कि उनके ब्लॉक की डेवलपमेंट हो. अब ब्लॉक के की अगर बात करें, तो ब्लॉक के जो है ओवरसीज़ वन में तो ब्लॉक के है जो पार्शली डेवलप है, लेकिन ओवरसीज़ प्राइम का जो ब्लॉक के है ये बैलेटेड, मतलब बैलेटेड इन सेंस के इसका मैप लॉन्च है, इसकी साइट का आइडिया है. आप मैप पे देख सकते हैं, गूगल अर्थ लोकेशन पर रख के देख सकते हैं कि ये जो साइट है इसकी कहाँ बनती है. तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि एंट्रेंस रोड वन आप एंटर हों तो आपके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ब्लॉक इस जे ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक इस के ब्लॉक, दोनों 10 मरला के ब्लॉक हैं और दोनों ब्लॉक नॉन डेवलप हैं. 10 मरला का जो एक ब्लॉक सिर्फ जो बड़ी अच्छी पेस में डेवलप हो रहा है, दैट इज़ ब्लॉक जी. उसके अलावा 10 मरला के ब्लॉक में ऐसा सच कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही ओवरसीज़ प्राइम में. तो जिन मेम्बरान के यहाँ पर प्लॉट हैं वो थोड़ा सा सब्र ही करें, क्योंकि आने वाले दिनों में प्लॉट डेवलप हो सकते हैं, लेकिन आज की डेट में एज ऑफ दिसंबर 2021 एंड ऑफ ईयर आप देख लें तो यहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट जो है वो नहीं है. सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे. अगर आपको स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makaansolutions.com. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़.